मैं आज आप लोगों से सवाल करूंगा कि आप लोग चरस पीना चाहते हैं? यकीन आप बोलेंगे कि नहीं नहीं हम लोग ड्रग एडिक्ट नहीं बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बनना चाहते हैं? क्योंकि आपने उसका अंजाम देख लिया है। हर चर्सी चर्स पीने से पहले यही बोलता है कि मैं चर्स पीना नहीं चाहता, लेकिन वो चर्स पीना शुरू कर देता है। बताएं क्यों? वो उन ब्रो दोस्तों में बैठता है जिन्होंने उनको इस आदत में लगा दिया। लियारी के माहौल ही ऐसे गली गली में बिकता है, यार दोस्त सब पीते हैं तो हम लोग उनके साथ होते थे। हम लोग यानी एक दिन में एक कश लगाए तो उसकी आदत पड़ गई, तो आस्ते आस्ते जो पीने लगे। दोस्त का इंतखाब करने से पहले हज़ार बार सोचें कि क्या वो आपका हकीकी दोस्त है या क्या आपका वो दुश्मन है। दोस्त का इंतखाब, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कयामत के अंदर उन लोगों का जिक्र करते हुए फरमाता है कि काश हम लोग उन लोगों को अपना रफीक अपना दोस्त ना बनाते जिन्होंने हमें गुमराही की तरफ डाला। तकरीबन 80 लाख चर्सी मौजूद है जो कि चर्स के एडिक्ट है, जिसके अंदर से 48% जो है वो लोग जो इन्फ्लुएंस बाय हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स है, यानी कि अपने दोस्तों की इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने ये चर्स का इंतखाब किया। और 80% लोग वो हैं जिन्होंने चर्स पीना शुरू तो की लेकिन वो छोड़ ना सके। अच्छी बात है, हम सारे भाइयों को मवालियों को बोलेंगे भाई नशा करो तो मोहब्बत का करो और घर में जियो, माँ बाप का नशा करो, उससे हर चीज़ करो, बाकी नशे में कुछ भी नहीं रखा है।